ये आवाज़ देश के एक जांबाज जवान के लहू के कतरे की है जो आतंकवादियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये तस्वीरें शहीद सीआरपीएफ जवान शैलेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर की है, जब शैलेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर अपने पैतृक गांव पहुंचा, वैसे ही पूरे गांव ने अपने शहीद जवान को नम आंखों से विदाई दी। पर उन सब में एक बहादुर जवान का बहादुर लहू का कतरा अपने जोश और पिता की शहादत को सलाम करता नजर आया। शैलेंद्र सिंह के 8 साल के बच्चे ने अपने बहादुर पिता को एक वीरता से भरी श्रद्धांजलि दी, आखिरी विदाई दी। आठ साल के इस बच्चे की ये गूंज उन दहशतगर्दों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने सोपोर में आतंकी हमले को अंजाम दिया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सोपोर में अभी 2 दिनों पहले सीआरपीएफ के चेक पॉइंट पर आतंकी हमला किया गया जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए, जिनमें से एक जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह थे जो रायबरेली के रहने वाले थे। साल 2008 में वे सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और इस समय उनकी तैनाती सीआरपीएफ की कंपनी 110वीं सोपो में थी। शहीद शैलेंद्र सिंह के 8 साल के बेटे कुशाग्रह का ये जज्बा, ये हिम्मत भारत माता के खिलाफ उठने वाली बुरी नज़रों के लिए एक कड़ा संदेश बन के वायरल हो रहा है।
कल हमारे सीआरपीएफ जवान आरओपी ड्यूटी पे थे, रूटीन ड्यूटी होता है जैसा आप लोगों को पता है। तो 12:40 में एक स्कूटर पर दो मिलिटेंट आए, मोस्टली पंपोर साइड से आया था, और हमारे जवान के ये ड्यूटी पर थे तो AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें हमारे दो जवान शहीद हो गए और 3 जख्मी हो गए। तीनों स्टेबल हैं, अभी हॉस्पिटल में है। मिलिटेंट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, ये लश्कर तैयबा का मिलिटेंट है जिसको सैफुल्ला बोलते, पाकिस्तान से आया हुआ एक लोकल मिलिटेंट भी उसमें है, और इसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। क्या आप उस एरिया में सर्च ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है जिस तरह से कल ये सर्च ऑपरेशन तो हरदम चलता रहता है। कल भी हम लोग 2-3 ऑपरेशन लॉन्च किए थे, उसमें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे हम लोग। सर, कहा जा रहा है कि जो जवान थे जो शहीद हुए उनके हथियार भी छीन गए, क्या क्या ये सही खबर है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई वेपन नहीं छीने। हमारे दो साथी शहादत को प्राप्त हुए हैं कायरतापूर्ण हमले में, और जल्दी ही जिन्होंने ये किया है इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और इनकी शहादत को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। सर, कहा जा रहा है कि जो मिलिटेंटों ने कल अटैक को अंजाम दिया उन्होंने चाडरा में भी इस अटैक को अंजाम दिया, सीआरपीएफ के एक एएसआई को शहीद कर दिया, क्या कहेंगे? कल ऑलरेडी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, ये वही ग्रुप है और इसके पीछे हम लोग लगे हुए, ये जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर, कंटिन्यूअसली ऐसी टेक्निकल बाइक पे अटैक किए जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्रकाशन? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे हो चाहे इतना लिंक रोड में, उसमें वॉल्यूम ऑफ व्हीकल काफ़ी है, काफ़ी गाड़ियां चलती रहती है, उसमें मिलिटेंट्स को बाइक में चलने में ईजी होता है, क्योंकि हम लोग 100% हर एक व्हीकल को चेक नहीं कर सकते, जैसे ट्रैफिक जाम हो सकता है, किसी खबर पर इंफॉर्मेशन बेसिस पर व्हीकल को चेकिंग करते हैं हम लोग। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिचुएशन अंदर कंट्रोल है और हम लोग बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर, कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि ये कुछ वर्चुअल सिम्स का यूज कर रहे हैं, तो सर उस बारे में क्या कहेंगे? वर्चुअल नंबर यूज होता है, सिम नहीं होता है, वर्चुअल नंबर होता है, ये कोई भी अपलोड कर सकता है, ये खरीद सकता है। तो क्या चैलेंजिंग है वो? हाँ, चैलेंजिंग रहा, शुरू से रहा, ये पूरे वर्ल्ड में वर्चुअल नंबर चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसका भी काट हम लोग टेक्नोलॉजिकल उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, मिल जाएगा जल्दी। तो सर, आइंदा क्या प्रकाशन लिए जाएंगे, खासकर नेशनल हाईवे इसको भी हम लोग नहीं शेयर करेंगे।